नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी के लिए एग्जाम हुआ जनरल के द्वारा साइंस की क्लासेस आपके सामने लेकर आया हूँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो साइंस जो आपका पोर्शन है कंपटीशन के एग्जाम में आता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले साइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो किन किन जगह पे कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में ये जान लेते हैं कि जो आपका साइंस सब्जेक्ट है वो किस किस जगह पे कितना कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो आपका साइंस का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली एक आपके जर्नल स्टडी का एक पार्ट है। बेसिकली ये आपके एक जर्नल स्टडी का पार्ट है। और जर्नल स्टडी में साइंस के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि साइंस जीएस के अंदर देखो, तो एक आता है आपका पॉलिटी, एक आता है आपका ज्योग्राफी, एक आता है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक आता है आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एक हो गया आपका हिस्ट्री। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा तो इसमें आता है इसके अलावा साइंस, और एक और आता है आपका करंट अफेयर। देखिए, जो मैं यहाँ पे दो पार्ट लिखे, एक तो साइंस और एक करंट अफेयर, ये दोनों साइंस और करंट अफेयर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपके जीएस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी वाले पार्ट में आते हैं। आज के टाइम में ये जो आपका करंट अफेयर है ये बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे कि भाई आपका जो साइंस है साइंस के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, उस अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। चलिए, साइंस के लिहाज से अगर हम लोग बात करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग साइंस को, ये वर्ड जो साइंस है ये आया कहां से, ये किस शब्द का शब्द से लिया गया है, ये आपके लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, इसका साइंटिया से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू नो, जानना। साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जानना, यानी कि जो आपका साइंस है वो साइंटिया शब्द से लिया गया है जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। किसी भी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में आप जो जानकारी लेते हो, किसी भी अगर आप प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हो वो साइंस कहलाता है। अब कई लोग कहते हैं कि साइंस और नॉलेज एक ही चीज है, साइंस और नॉलेज दोनों एक ही चीज है, तो नहीं, साइंस और नॉलेज दोनों ही अलग अलग चीज है। साइंस का तो हम लोगों ने बता ही दिया था कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो साइंस कहलाता है ना। अगर किसी भी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में आप लोग जानकारी लेते हो तो वो क्या कहलाता है, वो साइंस कहलाता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी जानकारी का अनुभव लेते हैं, अगर आपके पास कोई ज्ञान है, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप अगर उसको, ये जो ज्ञान है, यहाँ पे ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान होना साइंस कहलाता है। लेकिन अगर आपको जो ज्ञान वाली चीज है उसका अनुभव करना है ना, यहाँ पे
अनुभव करना। तो ये क्या कहलाता है, अनुभव करना किसी भी ज्ञान की चीज, किसी भी ज्ञान की चीज को अनुभव करना क्या कहलाता है, आपका नॉलेज कहलाता है। ठीक है, चलिए।